नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक्ट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि अभी जो केरला में फ्लड आया हुआ है, इसे कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर पे इसका इंपैक्ट पड़ा है। आज मैं ऐसे ही 30 कंपनियों के बारे में एनालिसिस करने वाला हूं जिसका जो कि केरला फ्लड से इंपैक्टेड है। तो कौन कौन से सेक्टर इंपैक्टेड होंगे और इस कहां कहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज पे इसका इंपैक्ट आएगा, टायर एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा क्योंकि रबर सबसे ज्यादा केरला में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पादन होता है। सीमेंट पे आएगा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर पे आएगा, लिकर सेक्टर पे आएगा, टी एंड कॉफी पे आएगा, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे इसका इंपैक्ट आएगा। तो चलिए इसका वन बाय वन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ साउथ इंडियन बैंक है जो कि साउथ इंडियन बैंक पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। फेडरल बैंक पे है, धनलक्ष्मी बैंक पे है, मिथुट फाइनेंस है, मन्नापुरम फाइनेंस है, मुथूट कैपिटल है, SBI पे भी है क्योंकि SBI के बहुत सारे ब्रांचेज जो कि SBT से मर्ज होकर के SBI में आए हैं और उसका ब्रांचेज केरला में ज़्यादा है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ साउथ इंडियन बैंक का। तो ऐसा है कि साउथ इंडियन बैंक का जो मेन जो लोन है, लोन एक्सपोजर है 41% केरला से है और 42% जो है वो लोन है SME से जो कि बहुत ही हाई रिस्क पे है। अभी केरला में फ्लड आने के बाद लोग अभी बहुत सारे लोन ऐसे होंगे जो अभी रिपेमेंट नहीं होगा और इनका NPA बढ़ सकता है। इस NPA बढ़ने के कारण इस बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उस पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। आपका इसका सही इम्पैक्ट दिखेगा इसका जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आएंगे सितंबर में, उसमें इसका आपको सही इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ कि अगर इसके प्राइस गिरते हैं तो कौन सा प्राइस लेवल है जहाँ से कि आप खरीदारी कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका प्राइस जो है, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 16.50 रुपीज पे। तो अगर वहाँ पे उसे नीचे जाना नहीं चाहिए क्योंकि सबको पता है कि ये जो गिरावट है ये टेम्पररी है, एक या दो क्वार्टर्स के लिए ही होगा। तो वहां से भी खरीदारी की जा सकती है और इसका अगर देखे तो अगर शॉर्ट टर्म में मतलब 2-3 क्वार्टर्स के बाद ये आराम से 25 रुपीज, इसका एक रेसिस्टेंस लेवल 25 रुपीज तक ही जा सकती है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17.50 रुपीज का है और इससे बड़ा सपोर्ट जो है वो है 16.50 रुपीज का। तो जो अगर आपको खरीदारी करना है तो अगर 16.50 रुपीज आता तो बहुत ही अच्छा चांस होगा इसमें खरीदारी करने की, और यहाँ से ये अगले एक साल में 25 रुपीज बिल्कुल आसानी से जा सकती है। तो अगर इस पे मेरा एनालिसिस अगर देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर में जो इतने सारे बैंकिंग है, तो जो साउथ इंडियन बैंक है अगर 16.50 पे मिले तो एक बहुत ही अच्छा बाय बनता है। यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक एक बहुत ही अच्छे बिल मैनेज कंपनी है, हालांकि इसमें कोई प्रमोटर्स नहीं है लेकिन बहुत ही बिल मैनेज कंपनी है। तो मैं तो ये कहूंगा ये वन ऑफ द क्वालिटी बैंक है जिसे मैं बाय करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। इतने अच्छे क्वालिटी बैंक होने के बाद भी इसके शेयर प्राइस में कुछ खास ग्रोथ नहीं होता है, एक खास लेवल पर आता है। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप 16.50-17 रुपीज पे ले सकते हैं, 1 ईयर में 24 रुपीज होने का बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन फिर भी ये उतना क्वालिटी स्टॉक होने के बाद भी उतना रिकमेंडेड स्टॉक नहीं है। बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इसमें अपना फिंगर बर्न कर चुके हैं। जो दूसरा बैंक है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक मैंने इसलिए चुना कि कुछ समय पहले मैंने देखा था कि फेडरल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं कर रहा था। जब मैंने बैंक में जाकर पूछा तो उन्होंने बोला कि केरला में फ्लड आया हुआ है और शायद उसके सर्वर पर इसका इंपैक्ट आया है। बाद में हालांकि SMS आया कि एक रूमर है केरला में इसका कोई सर्वर नहीं है, इसका सर्वर जो भी है क्लाउड बेस्ड है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी केरला में इसके ब्रांच जो है 50% इसके ब्रांच केरला में ही है और केरला में इसके ब्रांच होने के कारण इसका इंपैक्ट आएगा। जो लोग लोन अभी रिपेमेंट नहीं करेंगे, क्वार्टर में NPA बढ़ेगा, तो जब इसका जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा सितंबर में, वहां आपको इसका आपको दिखेगा कितना NPA बढ़ रहा और इसका जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट बैंक है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक है जो कि ऑलरेडी 15 साल के लो प्राइस पे है, अभी भी बाय इस पे नहीं बनता है। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखे तो मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का 650 ब्रांचेस केरला में है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि मुथूट फाइनेंस जो है गोल्ड लोन देती है, मन्नापुरम फाइनेंस है वो भी गोल्ड लोन देती है और इसका भी सबसे ज्यादा ब्रांचेस केरला में ही है। फ्लड के बाद जो लोग रिबिल्डिंग फेज आएगा तो उसमें अगर लोगों को लोन चाहिए होगा तो सबसे इजी लोन होता है गोल्ड लोन, और ऐसे भी पहले से इन्होंने जो मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन दिया है वो सबसे सेफ लोन माना जाता है क्योंकि उसमें NPA जो होता है टेम्पररी होता है, लोग गोल्ड छोड़कर तो नहीं जाएंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा बनता है मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस में क्योंकि ये गोल्ड लोन देती है और गोल्ड लोन सबसे इजी होता है लोन लेना, इसलिए इसका डिमांड भी बढ़ेगा। और अगर देखे नेक्स्ट देखे तो मुथूट कैपिटल, मुथूट
कैपिटल जो कि मेन जाना जाता है व्हीकल लोन के लिए, टू व्हीलर लोन सबसे ज्यादा देती है, गोल्ड लोन भी देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है, तो इसके जितने भी लोन से वो ऑलमोस्ट सेफ लोन है। अभी एनपीए बढ़ेगा क्योंकि लोन अभी लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे इस क्वार्टर में, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में रिपेमेंट करेंगे, उसके बाद रिपेमेंट करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग होता है, और इससे क्या होगा कि बाद के क्वार्टर्स में, थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में इसके अर्निंग ज्यादा आएंगे। अब नेक्स्ट बैंक है एसबीटी जो कि अब एसबीआई में मर्ज हो चुका है। एसबीटी केरला बेस्ड बैंक है, इसके 50% ब्रांचेस केरला में है, तो अब एसबीआई में मर्ज हो चुका है तो इसका इम्पैक्ट एसबीआई पे भी दिखेगा। इसका जो अर्निंग आएगा Q2 का या Q3 का आएगा उसमें भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो वहाँ एनपीए थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो एनपीए जो बढ़ेगा वो टेम्पररी होगा। तो अगर इन बैंकिंग फाइनेंस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, और ये अच्छा मौका मिलेगा आपको सितंबर अर्निंग के बाद। सितंबर में जो इसका अर्निंग आएगा उसमें अर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा, और हो सकता है उसमें थोड़े से इसके शेयर प्राइस में थोड़ा गिरावट आएंगे, बहुत ही अच्छा बैंक चांस बनता है। मैंने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लिखा है कि अगर साउथ इंडियन बैंक में 1650 तक आ सकता है, फेडरल बैंक अगर 60-65 रुपए जाता है तो बहुत ही गुड बाय प्राइस होगा, मुथूट कैपिटल अगर 380 के आसपास आता है तो एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, अगर मन्नापुरम फाइनेंस का शेयर प्राइस अगर 85-90 आता है तो भी बहुत ही अच्छा प्राइस बनता है। मुथूट कैपिटल भी जो कि 1000 रुपीज से नीचे आ गई है तो भी एक बहुत ही अच्छा प्राइस है, 950 भी बहुत अच्छा प्राइस है खरीदने के लिए, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्ट तब करना है जब आपको मिनिमम 1 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसका इमीडिएट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा Q3-Q4 के रिजल्ट के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रबर मैन्युफैक्चरिंग, रबर का उत्पादन केरला में होता है, और जितनी भी टायर कंपनियां हैं वो रबर लेती है केरला से। अगर आप सीएट को देखें तो 90% रबर इसका आता है केरला से, ऑलमोस्ट सभी टायर कंपनी का 90% केरला से ही रबर आता है, और अपोलो टायर का देखें तो उसका 2 प्लांट भी केरला में है, एमआरएफ का भी 1 प्लांट केरला में है, जेके टायर का भी डिपेंड है केरला पे, तो इन लोगों के पास लगभग 1 क्वार्टर के लिए, 2-3 महीने के लिए इसके पास रॉ मटेरियल है। अभी इनका जो इम्पैक्ट है वो Q2 का जो रिजल्ट अभी सप्ताह में आने वाला उसमें शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन Q3 में इसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा, और उस समय इसके शेयर प्राइस में थोड़ा गिरावट आ सकती है, थोड़ा गिरावट तो अभी से आनी शुरू हो गई है, और अगर इनको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है तो शायद इनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और अगर इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी है 25%, तो इससे भी इसके मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, शायद थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट दिखेगा और उस समय इसके शेयर प्राइस थोड़े गिरेंगे। हालांकि शेयर प्राइस अभी से ही थोड़ा बहुत गिरना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इन कंपनियों में ज्यादा गिरावट नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, तो अगर इसमें गिरावट होती है अगले 2-3 महीने में, इसमें अगर थोड़ा गिरावट आती है तो एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है यहाँ पे। अगर टायर पे इम्पैक्ट आता है तो ऑटोमोबाइल कंपनी पे भी आएगा, ऐसा मारुति अशोका लेलैंड है, इन पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब नेक्स्ट है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में अगर आप जेके सीमेंट का देखें तो इसका 5% इनकम आता है केरला से, रैमको सीमेंट है, इंडिया सीमेंट है, ये इनका भी बहुत बड़ा इनकम आता है केरला से, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है सीमेंट सेक्टर का कि हो सकता है अभी थोड़ा गिरावट आए, लेकिन अभी जब फ्लड के बाद जब रीबिल्डिंग होगा तो सीमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, सीमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट जो भी है इनके बाहर भी दूसरे स्टेट से भी अच्छे इनकम है, तो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर इस पर थोड़ी गिरावट आती है तो इस पर एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अब एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में देखें तो वी गार्ड इंडस्ट्रीज है जो कि मेजर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चर है इंडिया का, और वो है केरला में। फ्लड का इम्पैक्ट शायद वी गार्ड पे भी आएगा, लेकिन वो भी टेम्पोररी होगा, अभी वी गार्ड तो बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट भी बना रही है तो इसका फ्यूचर भी अच्छा है, तो अगर इसमें कोई गिरावट आती है तो एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अब आप देख लें इंश्योरेंस सेक्टर, केरला फ्लड को जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वो आएगा इंश्योरेंस सेक्टर पे, अभी वहाँ जो इतनी तबाही हुई है उसके बाद लोग जो क्लेम करेंगे तो क्लेम अभी से ही बहुत आ चुके हैं, अभी तक 1000 करोड़ का क्लेम आ चुका है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे, GIC पे आएगा, तो अभी इसमें गिरावट आती है तो इसमें अभी इमीडिएटली तुरंत बाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत टाइम लगेगा इसे रिकवर करने में, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तो इमीडिएट नहीं बनती है, शायद आप 6 महीने 1 साल के बाद इस पे सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट है लिकर सेक्टर, जिसमें क्या आता है रेडको खैतान और यूनाइटेड ब्रिवरेज, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि केरला में लिकर का खपत बहुत ही ज्यादा है, और अभी लिकर्स के ऊपर टैक्सेस भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि इतना टैक्स बढ़ाने के बाद भी अभी इसका खपत वहां ज्यादा है, अभी खपत और बढ़ गई है, तो इसमें जो भी अगर गिरावट आएगी वो एक टेम्पोररी गिरावट आएगी, अगर गिरावट आती है इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। नेक्स्ट है टी एन कॉफी इंडस्ट्री, तो वहां पे 2 कंपनियों का नाम बताना चाहूंगा, टाटा ग्लोबल ब्रिवरेज और हॉरिसन मलयालम लिमिटेड। तो टाटा ग्लोबल ब्रिवरेज है, इसके सबसे ज्यादा टी गार्डन आपको केरला में, तो टी गार्डन केरला में, तो इसका इंपैक्ट टाटा ग्लोबल पे आएगा, लेकिन इसमें जो गिरावट आएगी वो
एक दो क्वार्टर से ज्यादा नहीं रहेगी। तो अगर इस पे कुछ गिरावट आती है तो इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। नेक्स्ट है होइसन मलयालम लिमिटेड। तो इसमें एक कंपनी उतना कुछ खास कर नहीं रही है अभी, तो इसमें अगर कुछ गिरावट तो आएगी इसमें, लेकिन इसमें गिरावट आएगी तो इमिडिएटली इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है, तो इस स्टॉक से आप दूर रहें तो ज्यादा बेटर होगा। कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे की केरला फ्लड का इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि आप बंडला हॉलीडे लिमिटेड को ले लें जिसका हेडक्वार्टर है केरला में। और अभी आपने सुना होगा कि केरला में कुछ एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए थे फ्लड के कारण, और फ्लड के इमिडिएटली बाद वहाँ पे इतनी ज्यादा टूरिस्ट तो अभी आएंगे नहीं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें जो गिरावट आएगी उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी इमिडिएटली नहीं है, अब 6 मंथ 1 ईयर के बाद इसमें आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिको पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर इसमें गिरावट आती है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड जो कि केरला बेस्ड कंपनी है, इस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, जो फिला इंटरनेशनल पे भी आएगा, एस्टर डीएम हेल्थ केयर पे आएगा। तो इस पे अभी इमिडिएटली आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके गिरावट आएगी तो उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। लेकिन नेक्स्ट है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पे भी अभी इमिडिएटली मैं अभी सलाह नहीं दूंगा कि इस पे अभी कुछ बाइंग किया जाए। कोचिन मिनरल भी इन लोग को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ स्टॉक्स है जिसपे अभी इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी गिरावट आएगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं अगर इसमें गिरावट आए तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप 6 महीने वेट कीजिए, 2-3 क्वार्टर का इसका रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एनालिसिस है, ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ, पैसा आपका है, आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है।